हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकर्षित वैम चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में। आप सबको पता है फॉर्म वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल वेरिफिकेशन के साथ साथ उनका यहाँ पे स्टेट नोडल से भी वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, योर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप हैज बीन वेरीफाइड एट स्टेट लेवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनआईसी। तो आप लोगों के लिए जानने जरूरी है कि कितने वेरिफिकेशन होंगे एनएसपी में, कौन कौन से वेरिफिकेशन चलने वाले हैं एनएसपी में, कि कहाँ कहाँ से आपका फॉर्म गुजरेगा, कितना कितना समय लगेगा वेरिफिकेशन होने में, आपको वेरिफिकेशन करते समय क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। आपका पेमेंट आपके अकाउंट में कब तक आने के चांस है, पैसा आपके अकाउंट में कैसे आएगा, तो सारी चीज बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी दबा दीजिए। रेगुलर अपडेट अगर आप देखोगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस रहेंगे, नहीं तो आप भूल जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नेशनल स्कूल साइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले अपने स्टेटस को चेकआउट करना है कि आपके स्टेटस में क्या दिख रहा है, क्या शो कर रहा है। आपने फॉर्म सबमिट करा दी इंस्टीट्यूट में, क्या आपके इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हुआ, आपको चेक करना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स है जिसमें बच्चों की इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन साथ साथ यहाँ पे नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो सिंपली बच्चों का करंट स्टेटस है, इसमें बच्चे का आगे इंस्टीट्यूट के आगे यस दिख रहा है, वेरीफाइड बाय डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर के आगे ब्लैंक है, लेकिन 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 नोडल ऑफिसर के तहत वेरिफिकेशन हो गया है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो समझिएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मेरे पास है जिसका, यहाँ पे पीयूष रॉय जो यहाँ पे बिहार के हैं, जिनका यहाँ पे नोडल ऑफिसर ने वेरिफिकेशन किया है। आप हो सकते हो राजस्थान से, आपका ओम प्रकाश जी यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं राजस्थान से, ठीक है। तो काफी सारे चीजें हैं जो नोडल ऑफिसर अलग अलग होते हैं। तो एप्लीकेशन वेरीफाइड स्टेट नोडल बोर्ड नोडल ऑफिसर, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हुआ पीयूष रॉय बिहार की तरफ से। अगर आपका वहां पे नहीं दिख रहा है या आपके मोबाइल पे मैसेज आ चुका है इस प्रकार का कुछ कि आपका वेरिफिकेशन या आपका बोर्ड लेवल से हो गया है या स्टेट लेवल वेरिफिकेशन हो गया है, ऊपर आपको एनएसपी एसएमएस के तहत मैसेज दिखने को मिल जाएगा। ये मान लीजिए कि आपका वेरिफिकेशन लेवल 2 हो चुका है। अब आपको आगे क्या करना है वो अब इम्पोर्टेंट है, वो जानना जरूरी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एसओपी निकाल लिया, एनएसपी की एसओपी है जो मैं आपको समझाने के लिए निकाल रखा है। दरअसल इससे आप यहाँ पे बारीकी समझ सके किस प्रोसेस को कितना टाइम लगने की उम्मीद है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही हेल्पफुल और गजब इन्फॉर्मेशन रहने वाला है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो एनएसपी का वर्क फ्लो। जैसे कि आप देख रहे हो, आप सबसे पहले अपने फॉर्म को भरते हो, स्टार्ट करते हो, उसके बाद अपने फॉर्म को आप एप्लीकेशन को सबमिशन करते हो, मतलब फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और अपने स्कूल को जमा कराते हो कि भाई वो लेवल 1 का वेरिफिकेशन कर सके। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जो लेवल 1 का वेरिफिकेशन है वो होता है इंस्टीट्यूट का, भाई आपका सबसे पहले इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो आप जाओगे स्कीम और एनएसपी में जाओगे सिंपली, और कब तक आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। सपोज कोई सी भी स्कीम ली गई, सबकी लास्ट डेट अभी 15 नवंबर है अप्लाई लास्ट डेट। तो मैं यहाँ पे एक स्कीम की लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो हो रही है 30/11/2024, मतलब इंस्टीट्यूट को 30 नवंबर से पहले पहले आपके फॉर्म को वेरीफाई करना है। अगर बाई चांस ये डेट नहीं बढ़ती इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट, तो आपका फॉर्म अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आपका फॉर्म ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा, फ्रीज का फ्रीज। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि आपको इंस्टीट्यूट को बोलना है कि सर हमारा फॉर्म जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कर दीजिए। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, जल्द जल्द फॉर्म को वेरीफाई करवाए इंस्टीट्यूट को 30/11/2024 से पहले पहले। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका 30 तारीख तक, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे, जो 30 नवंबर तक लेवल 2 का वेरिफिकेशन जो है अब वो इम्पोर्टेंट है। इसमें लेवल 2 भी आता है, लेवल 3 भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताया होगा आपको। यूट्यूब में पल पल की अपडेट इस चैनल पे ही आपको मिलेगी और कहीं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेवल 2 का वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का वेरिफिकेशन वो लेवल 2 का वेरिफिकेशन ध्यान रखेगा। जो डिस्ट्रिक्ट नोडल वेरिफिकेशन हुआ है, जैसे आपके मोबाइल में आता है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय DNO, तो वो आपका है लेवल 2 का वेरिफिकेशन। लेवल 3 का वेरिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री लेवल पर। किसी किसी स्कीम के बाद वो छोटी छोटी स्कीम होती है, जैसे बात करूं मैं यहाँ पे CSS हो गया आपका, यहाँ पे माइनॉरिटी हो गया,
आपका यहाँ पे एनएमएस स्कॉलरशिप हो गया, तो ये छोटी मोटी स्कीम होती है, इसमें आपको 12,000 15,000 20,000 स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें मिस्ड वेरिफिकेशन नहीं होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट नोडल और स्टेट नोडल जो आपका लेवल टू का वेरिफिकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट नोडल वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट से आपका फॉर्म जाता है स्टेट नोडल ऑफिसर के वेरिफिकेशन के तहत। जैसा कि आप इस बंदे का स्टेट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, कमेंट करो जरूर बताइएगा कि आपका स्टेट नोडल वेरिफिकेशन का मैसेज आया कि नहीं आया, मोबाइल पे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टेट लेवल वेरिफिकेशन जो होता है वो लेवल थ्री का रहता है छोटी छोटी स्कीम्स में, लेकिन जो बड़ी स्कीम्स होगा जैसे यूजीसी हो गया आपका, एआईसीटी हो गया, प्रगति हो गया आपका, सक्षम हो गया, स्वानत हो गया, ईशान उदय हो गया, एनएससीपीजी हो गया, उसमें मिनिस्ट्री लेवल वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ मिनिस्ट्री लेवल वेरिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, लेवल थ्री में आपका मिनिस्ट्री लेवल का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। जिसके लास्ट डेट अगर बात करूं क्या है वो हम बात करते हैं अभी, तो मैं यहाँ पे किसी एक स्कीम उठा के देख लेता हूँ यहाँ पे, जिसका मिनिस्ट्री लेवल का वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल, मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन 15 दिसंबर 2024। सपोज अगर ये डेट नहीं पड़ती तो 15 दिसंबर से पहले पहले आपको मिनिस्ट्री को फॉर्म वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 15 दिसंबर, ठीक है, मतलब 15 दिसंबर तक आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जाएगा आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक किया जाएगा कि आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक है या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, 100 स्टूडेंट अप्लाई कर, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 स्टूडेंट अप्लाई करने, 100 स्टूडेंट में से 60 से 70% जो लोग हैं वो पता क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट को चेक ही नहीं करते हैं, उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है, उनका डीबीटी लिंक है या नहीं है, वो नहीं चेक करते। उन्होंने फॉर्म भर दिया, मेरे कजिन ने बोल दिया कि फॉर्म भर लो, एक यूट्यूबर है फलाना ढिकाना, उसने बोल दिया कि फॉर्म भर लो, एक यूट्यूबर ने बोला इसमें 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, भर लो। उन लोगों को आज तक अभी स्कॉलरशिप मिला ही नहीं जो ऐसे भरते हैं, जो रेगुलर अपडेट, जो फॉलोअप्स लेते हैं, देखते हैं चीजों को, स्टेटस चेक करते हैं, डीबीटी चेक करते हैं, समय समय पर अपडेट चेक करते हैं, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलती है। मैं यहाँ पे 3 या 4 साल से स्कॉलरशिप बताता हूँ, यहाँ तक कि मुझे भी 3 साल तक स्कॉलरशिप मिली है, नेशनल स्कॉलरशिप, तभी मैं आप लोगों को गाइडेंस देता हूँ प्राइवेट स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कैसे आपको भरना है, कैसे वो फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, कितने कितने स्टेप से फॉर्म गुजरता है, और काफी लोगों को स्कॉलरशिप दिलाई भी है और मिला भी है उनको, जो भी मेरे आपने गाइडेंस और जो भी मेरे एडवाइस है उन सबको लगी है। तो अब आपको करना क्या, बेनिफिट वैलिडेशन के लिए आपको सबसे डीबीटी स्टेटस चेक करना है कि आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अब ये वाली वीडियो जो आएगी, डीबीटी कैसे चेक करें, आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं वो कैसे चेक करें, उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब जब आप इस वीडियो में आप 10,000 व्यूज और 200 लाइक्स अगर आप देते हो, 10,000 व्यूज 200 लाइक्स ये अगर आप देते हो, ये टास्क है अगर आप देते हो, तब मैं यहाँ पे डीबीटी कैसे चेक करते हैं अगर आपके इनेबल है या नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप आने का सबसे पहला कदम वही रहता है, तो जरूर बताऊंगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और 10,000 व्यूज और 200 लाइक्स का ये टारगेट है। चलिए दूसरा यहाँ पे चलता है आपका, यहाँ पे एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम, कि आप एनएसपी का जो सिस्टम है वो चेक करता है कि आपने कहीं डुप्लीकेट फॉर्म तो नहीं भरा है, मतलब सपोज दैट आपने एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो अप्लाई किया, सो आपने दूसरा स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया, या एनएसपी में बहुत सारी स्कीम है, सपोज आपने सीएसएस के लिए अप्लाई कर दिया, फिर आपने एक और स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है कि इसमें डुप्लीकेट चेक हो जाता है, ठीक है। तो आजकल ही थोड़ा सा कम हो गया डुप्लीकेट वाला सिस्टम, बिकॉज क्योंकि अब ओटीआर आ चुका है, ओटीआर आ चुका है, तो इसलिए क्या होता है कि अब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप एक ही स्कीम के लिए अप्लाई करते हो, तो आज ये डुप्लीकेट वाला सिस्टम जो है वो अब नहीं रहा है फिलहाल, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करूं यहाँ पे मेरिट लिस्ट का, अब यहाँ पे मैं बताऊं, मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पे, जहां पे लिखेगा सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट, रिन्यूअल वालों के लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं रहता है, बस आपका 50% ऊपर होना चाहिए और कोई बैकलॉग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तब आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं रिन्यूअल कैटेगरी में। लेकिन फ्रेश कैटेगरी में आपका मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट बनने में समय मान लीजिए जब आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उसके बाद सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट, वो उसके बाद ये सारी चीजें आपकी होगी, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस जाएगा, टाइम जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें कितना टाइम लगेगा, तो अप्रोक्सली बात करूं तो डिपेंड करता है मिनिस्ट्री वाइज, डिपेंड करता है हर स्कीम वाइज, कैटेगरी अलग है, तो दरअसल मानता हूं मैं इन सबका वेरिफिकेशन होते होते आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट का डिपेंड करता है आपका वेरिफिकेशन के ऊपर कि कब तक आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, एनएसपी की लास्ट डेट कब तक एक्सटेंड होती है, तो सबसे पूरा डिपेंड करता है इसका। मैं अभी फिलहाल आइडिया नहीं दे सकता, इस वक्त तो मैं आइडिया नहीं दे सकता, जब एक बार एनएसपी की लास्ट डेट क्लोज होगी तब मैं इसके बारे में आइडिया जरूर दे पाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका
जो है PFMS पे आपका रिकॉर्ड जाता है, सेंड टू पेमेंट हो जाता है। सेंड टू पेमेंट होने के बाद फिर आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका PFMS से जाता है। PFMS की टीम दोबारा आपका वैलिडेशन चेक करती है कि आपका DBT के साथ लिंक है या नहीं, आपका सारी चीज चेक करती है कि आपका अकाउंट में कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ चेक करती है। ये सब चेक करने के बाद आपका पैसा फिर आपके अकाउंट में 24 आवर्स से 48 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये तो पूरा हो गया प्रोसीजर।